नया खुलासा हो सकता है। बड़ी खबर, ईडी संजय सिंह से करेगी कई सवाल जवाब। 5 दिन की ईडी रिमांड में है संजय सिंह। जाहिर है कि सवालों की फहरिस्त लंबी है, क्या कुछ खुलासे होंगे देखना होगा। फिलहाल एक रिपोर्ट इस पूरे मामले पर अपडेट के साथ आपको दिखाते हैं। के नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और अडानी के नौकर से हम लोग डरते नहीं, जितना अत्याचार जुर्म करना करे कोई दिक्कत। गुरुवार शाम 6 बजे के करीब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से निकलते वक्त ये बयान दिया। कहेंगे आप कि नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और अडानी के नौकर से हम लोग डरते नहीं, जितना अत्याचार जुर्म करना करे कोई दिक्कत नहीं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाला केस में प्रवर्तन निदेशालय को संजय सिंह की 5 दिनों की रिमांड सौंपी। यानी संजय सिंह अब 10 अक्टूबर तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे। ईडी ने संजय सिंह को उनके दिल्ली स्थित आवास पर दिनभर चली पूछताछ के बाद बुधवार शाम गिरफ्तार किया था। गुरुवार को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान सांसद संजय सिंह ने कोर्ट से कहा, अगर मैंने गुनाह किया हो तो सख्त से सख्त सजा दीजिए। इस दौरान संजय सिंह ने केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों पर झूठे मामले में फंसाने का आरोप भी लगाया। आपके जो आरोप है, कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर करें तो ईडी की ओर से दलील दी गई कि करीब 2 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ, संजय सिंह के आवास पर पैसा दिया गया, पैसे उनके कर्मचारी सर्वेश मिश्रा को दिए गए। इस पर संजय सिंह के वकील मोहित माथुर ने पक्ष रखा कि जिस सर्वेश मिश्रा की जांच एजेंसी बात कर रही है उसका बयान सबसे पहले दर्ज होना चाहिए था, लेकिन उसका बयान कहां है पता नहीं। इसके बाद ईडी की ओर से सबूतों पर दलील दी गई। कोर्ट में बताया गया कि संजय सिंह के फोन से जो कंटेंट और डेटा मिला उसके बारे में उन्हें कस्टडी में लेकर पूछताछ जरूरी है। रिमांड का संजय सिंह के वकील ने विरोध किया और कहा कि इंटरोगेशन में गिरफ्तारी भला कहां होती है। ईडी ने कोर्ट में दलील दी कि 239 जगहों पर सर्च किया गया। दिनेश अरोड़ा के कर्मचारी ने 2 करोड़ संजय सिंह के यहाँ दिए। 1 करोड़ इंडो स्प्रिट के दफ्तर से उठाया गया, CDR मैच की गई। इस पर संजय सिंह के वकील ने कहा कि मुख्य गवाह दिनेश अरोड़ा दोनों मामलों में आरोपी है और दोनों मामलों में सरकारी गवाह बन गया है। दिनेश अरोड़ा अमित अरोड़ा के बदलते हुए बयानों पर अदालत गौर करे। इसके अलावा अदालत में संजय सिंह ने खुद कुछ बातें रखी। उन्होंने अदालत में अपनी बात कृष्ण बिहारी नूर की पंक्तियों से शुरू की। कहा, सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे। अमित अरोड़ा उनके पास था, दिनेश अरोड़ा उनके पास था, कई बार दोनों ने बयान दिया लेकिन संजय सिंह का नाम कभी सामने नहीं आया। अचानक से मेरा नाम कहां से आया, ऐसा क्या हुआ। आरोपों में सच्चाई हो तो सख्त सजा दें, लेकिन मुझे एक बार भी समन क्यों नहीं किया गया। कोर्ट की कार्यवाही के बाद वकील और आप नेता सोमनाथ भारती ने भी संजय सिंह के पक्ष में कुछ ऐसे ही सवाल उठाए। कानून को ताक पर रख करके कार्रवाई की गई। आज ये कोर्ट में बताया गया कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो नहीं, इन्होंने फॉलो नहीं किया, ना कोई नोटिस भेजा, ना कोई समन भेजा। एक बैग जाकर के किसी के घर में आप उसको अरेस्ट कर लेते हो। इससे पहले संजय सिंह की कोर्ट में पेशी के बाद CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप नेताओं पर लगाए गए सभी केस झूठे हैं, ऐसे मामलों से वक्त बर्बाद होता है। सारे केस झूठे लगा रहे हैं ये लोग, तो कुछ इतने केस लगा लिए, इतनी जांच कर ली, कुछ निकलता तो है नहीं। तो इस जांच के खेल में टाइम ही खराब होता है, सबका टाइम खराब होता है, जांच एजेंसियों का भी टाइम खराब होता है, सरकार का भी। सबको काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, तभी तो देश तरक्की करेगा। सबको झूठे झूठे केसों में फंसा के उससे तो देश तरक्की नहीं करेगा। बहरहाल अब संजय सिंह 10 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में रहेंगे और ईडी के अधिकारी संजय सिंह से जुड़े डिजिटल सबूतों और कुछ लोगों के आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेंगे ताकि शराब घोटाले से जुड़े संजय सिंह पर लगे आरोपों को अदालत में साबित कर सके। टीम न्यूज नेशन। और यहाँ वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का है।